सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई अभी कॉन्कर पे है। तो आज की वीडियो में ना मैं तुम लोगों के लिए कॉन्कर टीयर के एकदम खतरनाक सोलोस स्क्वाड की क्लचेस लेकर आया हूँ, वो भी हैंड गेम के साथ। तो मतलब आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है और बहुत मजा भी आएगा। तो फटाफट से अब वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई मैं जस्ट अभी रिकॉल होकर कूदा था रोजोक में, और रोजोक में कूदने के बाद यहाँ पे मुझे मिली थी यूजी। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत लूट करते हैं और उसके बाद बंदों को मारने के लिए चलेंगे, पर तभी पूरी की पूरी एक स्क्वाड आती है और मेरे ऊपर रश कर देती है। तो भाई अभी देखना, अब यहाँ पे मेरे पास लूट नहीं थी तो मैं सोचा था कि फुटस्टेप नहीं दूंगा तो ये लोग आगे चले जाएंगे, पर लेकिन अब यहाँ पे तीन बंदे नॉक कर देता हूँ। अब बचता है इनका लास्ट बंदा जो कि नीचे था। और भाई कमेंट करके बताओ कि ये 1v4 तुम्हें कैसा लगा। खैर अभी चलते हैं अपने अगले क्लच पे। अब मैं यहाँ पे दो बंदे नॉक कर चुका था तो अब टाइम था बंदों पे रश करने का। तो सबसे पहले एक मॉली करता हूँ, और जब तक मैं रश करता हूँ ना ये लोग यहाँ पे रिवाइव हो जाते हैं। अभी एक बंदा वापस से मॉली से नॉक हो जाता है, तो अब बचे थे बाकी के तीन बंदे, तो मैं उन पर भी रश कर देता हूँ। और भाई अभी तुम गिनती करना बस। और भाई इस क्लच को देखने के बाद भी अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कब करोगे यार, हम लोग 300K के बहुत ज्यादा क्लोज है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, क्या आप भी BGMI टूर्नामेंट्स खेल के रोज 50,000 रुपए जीतना चाहते हो? तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स है और ये ऑलमोस्ट 8 करोड़ की विनिंग बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और इस ऐप में कस्टम रूम्स की भी जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक खेलो जैसे रोज खेलते हो, और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपकी किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। शुरू के 1000 यूजर्स को डाउनलोड करने पे मिलेगा 600 रुपीज का साइन अप बोनस, जिससे कि आप लोग फ्री में टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात तो यह है कि जो पैसे आप जीतोगे वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी UPI ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। मोगेम्बो, खुश हुआ। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो और फटाफट से जीतो 50,000 रुपए डेली। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है याश ने की। तो भाई यहाँ पे मैं डुओस स्क्वाड खेल रहा था, तभी यहाँ पे कुछ बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे दो बंदे मैं नॉक कर चुका था, अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि मुझे पता था कि ऊपर अपने टीममेट्स को रिवाइव करेगा। तो मैं फटाफट से एक नेड बिन करता हूँ, और भाई अब यहाँ पे याश ने ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, बस बचे थे लास्ट के तीन बंदे। तो अब इनको पकड़ते हैं। अब जैसे ही मैं अंदर आता हूँ इसके टीममेट्स मेरे ऊपर रश कर देते हैं। और हाँ भाई लोग, एक बात बताओ, तुम लोगों को क्लोज इन में UMP चलाना ज्यादा पसंद है या फिर AKM? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर अभी मैं यहाँ पे सोलो से स्क्वाड खेल रहा था, और मैं यहाँ पे नोवो में कूदा था, और यहाँ पे तीन तीन स्क्वाड आई थी, और यहाँ पे तुम्हारे भाई की तीनों स्क्वाड से बैक टू बैक फाइट होने वाली है। तो सबसे पहले तो इस वाली स्क्वाड पे रश करते हैं। अब यहाँ पे मैं चारों तरफ से बंदों से घिर चुका था और मेरे यहाँ पे बचने की चांसेस बहुत कम थी। अब यहाँ पे इन बंदों को मारने के बाद मैं जाता हूँ वेयरहाउस में, और यहाँ पे मेरे ऊपर एक और स्क्वाड रश कर देती है।
अब बचा था इनका लास्ट बंदा, तो फटाफट से इसको भी पकड़ते हैं। अब जैसे इन बंदों को मारता हूँ, यहाँ पे एक और स्क्वाड मेरे ऊपर पुश कर देती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे बंदों की लोकेशन नहीं पता थी, पर ये मुझे यहाँ पे फॉल बैक करते हुए देख लेते हैं, तो ये सीधा रश करते हैं। एक बंदा सामने टावर पे से अपने टीममेट को कवर देने की कोशिश कर रहा था, तो अब इसको पकड़ते हैं। और भाई कमेंट करके बताओ कि ये 4x का बर्स्ट तुम्हें कैसा लगा। अब मुझे पता था कि लास्ट वाला बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जरूर जाएगा, तो मैं लेफ्ट से एक फ्लैंक मारता हूँ। और भाई इसी के साथ तुम्हारा भाई यहाँ पे बैक टू बैक दो दो स्क्वाड्स क्लच कर देता है, वो भी बिना एक BHP लूज किए। सामने से गाड़ी आ रही है, और इसी के साथ मैं इसे गाड़ी से उतार के इसका पिकाचू बना देता हूँ। अब इससे थोड़ी देर बातचीत करते हैं। यार मारो, क्या हुआ, मारो मत यार, वो जो घर घर में लेके चल। अब यहाँ पे इसके कहने पे मैं इसको घर पे तो लेके आ जाता हूँ, पर भाई यहाँ पे हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए इसके टीममेट्स आ जाते हैं, तो अब इसके टीममेट्स को पकड़ते हैं। आजा, जल्दी आजा पाए, जल्दी आ। और भाई अपने टीममेट्स का भी पिकाचू बनवाने के बाद ये वापस आती है। और भाई अब इसका दोबारा से पिकाचू बनाने के बाद मैं इसके पास जाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि भाई तू रिकॉल होके वापस क्यों आई, तो देखो क्या बोलती है ये। यार तुझे मारने के लिए। अभी ये स्क्वाड मेरे मैच में एक और बार आती है और हमारी दोबारा से फाइट होती है, तो अभी देखना। और भाई मैं इनका एक और बार पिकाचू बना देता हूँ। अभी गाइस मैं जस्ट अभी यहाँ पे लैंड हुआ था और यहाँ पे मुझे UMP मिलती है, पर तभी मार दिया। हाँ पूरा सेफ होना, मारना पड़ेगा जब पर। अभी यहाँ पे तीन बंदे नॉक कर दिए थे, अब बचा था इनका लास्ट बंदा। और इसी के साथ यहाँ पे तुम्हारा भाई अपने टीममेट का बदला ले लेता है। और अब क्लोज इन स्नाइपर शॉट्स देखो हैंडकैम के साथ। और भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें क्लोज रेंज में स्नाइपर शॉट्स पसंद है या फिर नहीं पसंद है। खैर अभी चलते हैं अपने अगले क्लच पे। अभी दूसरा बंदा सामने नॉक किया, अब मैं दूसरे बंदे को फिनिश डालने जा ही रहा था, पर तभी सामने इनका एक और बंदा नॉक कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ उन पे रश करने के लिए। अच्छा इधर सामने से बंदे का साउंड आया, तो एक नेड करता हूँ। एक और बंदे का साउंड आया, और अब भाई की बातें सुनो एक बार। अरे बैंड तो लेकर है पता है ये जो ऊपर। अब यहाँ पे इन बंदों को लगता है कि मैं हैकर हूँ, पर पता नहीं इन बंदों को क्या चुलती है, बंदे फिर भी मेरे से बदला लेने के लिए वापस आते हैं। अभी सामने मुझे ग्लाइडर दिखता है उड़ता हुआ, पड़ा उसको। अरे अब एक बंदे को तो यहाँ पे मैं ग्लाइडर से उतार देता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे ग्लाइडर उड़ रहा था तो मुझे लगता है कि एक और बंदा होगा, पर ऐसा नहीं था। अब जैसे ही मैं पहले वाले बंदे को फिनिश डालने जाता हूँ, भाई साहब रिकॉल होके आते ही कैंपिंग। अभी देखना ये बंदा मेरे पे रश कर देता है। और भाई कैंपिंग करके जो हरकत इन लोगों ने अभी की है ना, इसका बदला इसके टीममेट्स को ट्रोल करके लेंगे, अभी देखना। अभी जैसे इसको तलवार से काटता हूँ, इसका सामने से एक और बंदा आ जाता है, तो अब इसको पकड़ते हैं। ले चलो इसको, ले चलो बंदा है। ले भाई अब तेरी बारी, और ये लगी भाई के उड़ती हुई तलवार। अभी इनका लास्ट बंदा सामने स्पॉट होता है, तो अब इसको पकड़ते हैं।
अब उनकी टीम का लास्ट बंदा तो मैं मार देता हूँ, पर भाई यहाँ पे हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है, तो फटाफट से तो पहले यहाँ पे मैं रिवाइव होता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे हीलिंग। पर भाई तब तक ये बंदे यहाँ पे मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर देते हैं, तो अभी बदला लेते हैं अपने टीममेट का। भाई फैन हो तो फाइट ही क्यों लेने आ रहे हो यार मुझसे? अब तुम लोग फाइट लेने आओगे तो मैं मारूंगा ही ना भाई। अरे भाई आवाज तो लग रही है यार तेरी। वो भाई मैं तेरे YouTube वीडियो देखता हूँ यार, यार मैं तेरी सारी वीडियो देखता हूँ भाई, इसकी आवाज बहुत बढ़िया लगा मुझे सही में। और भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस को मेरी आवाज पसंद है। खैर अभी चलते हैं अपने अगले क्लच पे। तो भाई अभी यहाँ पे मैं मोली से डैमेज हो गया था, तो मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, तभी बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अभी जैसे इस बंदे को मारता हूँ इसके बाकी के टीममेट्स आके मेरे ऊपर रश कर देते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक मोली करता हूँ। तीन गए, अब्बा जादन का लास्ट बंदा। अब इनका लास्ट बंदा सामने वाले घर पे था। तो भाई मैं था याशने में और यहाँ पे मेरी बिल्डिंग में पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी, तो सबसे पहले तो मैं नेड से एक नॉक निकालने की कोशिश करता हूँ। अब इनके बाकी बंदों को पकड़ते हैं। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में, और भाई यहाँ पे मेन बिल्डिंग में पूरी की पूरी एक स्क्वाड कैंप करके बैठी हुई थी। अब जैसे इन बंदों को मारता हूँ यहाँ पे एक और स्क्वाड आके मेरे ऊपर रश कर देती है। भाई इन दोनों को तो तुम्हारे भाई ने दब दब से कुछ ज्यादा ही गंदा मार दिया। अब यहां पे दो बंदे नॉक कर दिए थे, अब बचा था इनका लास्ट बंदा, तो इसको भी मारते हैं। तो भाई मैं था ब्रिज पे और सामने बंदों ने ब्रिज कैंप किया हुआ था, तो अभी इनको पकड़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो बंदे नॉक कर दिए थे, बाकी के दो बंदे नीचे सीढ़ियों से आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं फटाफट से जाके बंदों पे रश कर देता हूँ। और गाइस मुझे बताओ यार कि मतलब हैंड गेम देखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है?
अब यहाँ पे सबसे पहले तो हीलिंग करता हूँ और तभी ये बंदे यहाँ पे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। भाई पता नहीं ये बंदा लेफ्ट में आगे कब लेटा। खैर अभी मैं था यहाँ पे रिस्पॉन बैटल में और भाई यहाँ पे मेरे ऊपर एक स्क्वाड रश कर देती है। अभी लास्ट वाला बंदा सामने वाली बिल्डिंग में था। अभी आशनाएं में एक और स्क्वाड बची थी तो अब इनको पकड़ते हैं। बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि स्क्वाड हाउस पे था। अभी एक फेक नेट बिन की ताकि ये बंदा नीचे जंप करे। और भाई अभी मैं जस्ट रिकॉल हुआ था और सामने प्लेयर थी तो मैं बंदों पे कूद जाता हूं। अब नीचे लास्ट बंदा बचा था तो इस पर भी रश कर देते हैं। तो मैं था स्कूल अपार्टमेंट में और यहाँ पे मेरे से जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड कैंप करके बैठी हुई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नेड से एक आधा नॉक निकालने का ट्राई करता हूँ। एक बंदा नेड की बात सुन के नीचे जंप लगा देता है तो अब इस पर रश करते हैं। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार हम लोग 300 के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जितने भी नए बंदे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही तगड़ा कंटेंट चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।